खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और डीसीपी न्यूज हिंद की स्याही को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। हरियाणा में एक और बाबा का सारनामा सामने आया है, जहां आश्रम में आने वाली महिलाओं को बनाता था अपनी हवस का शिकार। एक और बाबा का ब्लू बम, या यूं कहें कि बाबा का ब्लू बम, ब्लू कांड। आश्रम की आड़ में बाबा हुए बदनाम। आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। अब आप लोगों को कुछ और सोचें या समझें, उससे पहले आपको सुनाते हैं महापाप की एक ऐसी कहानी, जहां पीड़ितों ने खोल दी महापाप की पोटली। खबर हरियाणा से है, जहां गुरुग्राम के बहोड़ा गांव की है, जहां बाबा ज्योतिगिरी का सच सामने आया है। यौन शोषण के अपराधी बाबा ज्योतिगिरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता, मीडिया प्रभारी सुधीर कुमार यादव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सुधीर यादव ने लिखा, वायरल वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चला था कि धर्म की आड़ में बाबा ज्योतिगिरी का घिनौना काम। तो आखिर क्या है हकीकत, क्या है बाबा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कुछ अश्लील वीडियो सामने आई हैं, जो 10 से ज़्यादा वीडियो वायरल हुई। शिकायत में बताया गया है कि इन सब वीडियो के साथ एक अनजान लड़की का संदेश भी है, जिसने आश्रम के बाबा ज्योतिगिरी के काले कारनामों को उजागर करने का काम किया है। उस संदेश में लड़कियों के नाम लिखकर बताया गया है कि साथ में 10 वीडियो भी भेजी जा रही हैं। इनमें छोटी छोटी बच्चियों को आपराधिक हालत में देखा जा सकता है। आश्रम में आने वाली महिलाओं और बच्चियों के साथ जबरन संबंध बनाता था आरोपी बाबा। अब एक दर्जन बच्चियों के साथ यौन शोषण कर चुका है। बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों न किया जाए, इन पर गाज क्यों न गिराई जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस दिन वीडियो वायरल हुआ था, उसके एक दिन बाद ही पुलिस गांव गई थी, मगर कोई भी महिला सामने नहीं आई, क्योंकि यह मामला बहुत ही गंभीर है। इसीलिए पुलिस ने गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी है। ये कहें जो महकमा था, समाज कल्याण विभाग कहें या फिर पुलिस अधिकारियों का कहें, सो रहे थे या नींद में थे, या यूं कहें कि इनकी लापरवाही की वजह से ऐसे दुर्शासन जो हैं वो कुकृति को अंजाम दे रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, साक्ष्य को छुपाने की कोशिश, यूं कहें कि वॉश करने की कोशिश क्यों ना की जा रही होगी, ये सवाल भी तौर पर मौजूद है। जाहिर तौर पर जितनी बड़ी घटना है उसको लेकर गुस्सा तो है, वो बहुत लाजमी है। और जो गुरुग्राम की छवि को शर्मसार करने वाली घटना के साथ अब इंतजार करना होगा, जब यह जिम्मा साइबर क्राइम ने लिया है तो सब कुछ खुलकर सामने आएगा। उन सफ़ेद पोश नकाब चेहरे जो हैं वो बेनकाब होते हुए नज़र आएंगे, या यूं कहें कि इन पर गाज गिरती नज़र आएगी। सुरक्षा की दृष्टि से हम लड़की का वीडियो आप तक नहीं पहुँचा सकते। लड़की का जो बयान है, उस बयान को हम अपने माध्यम से बता